वरुण जी। पद्माजा जी, अभी आपने पूछा साधु संतों की बात थी, अडवाणी जी की रथ यात्रा मैंने देखी है, इतने साधु संत उस समय प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के नाम नहीं लेना चाहता, सब आदरणीय है, पूरे बीजेपी के लिए पूरे देश में लाम बनते हैं, आपको ध्यान होगा, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा थी वो, साधु संत इनके साथ नहीं आते, यात्रा राम मंदिर के लिए थी, मैं बोल रहा हूं आप लोगों को राम मंदिर के लिए रथ यात्रा, आप खाली कटोरे बजाओ जाके कहीं, खाली कटोरे बजाओ कहीं जाके, अरे अपना सीट पे तो जाकर कहीं पे मुसलमानों के घर पे जाकर बोलने लगे बैठ जाओ, कोई कटोरा नहीं लेके कहीं जा रहा, एक एक पूरे देश के कर दिया ना, भीख का कटोरा था आपने, मोदी जी ने कर दिया नोटबंदी के बाद पूरे देश को भीख मंगवा रहे, अब कहाँ चले बैठे हो। वरुण जी अंग्रेजी में एक कहावत है कि थर्ड टाइम इज अ ट्रेंड, यानी कि अगर कोई चीज एक दो नहीं तीन उससे ज्यादा बार हो जाती है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रेंड है। अरे उलेमा बोर्ड की चिट्ठी आ रही है, किसी मुस्लिम संघ की चिट्ठी आ रही है, मस्जिदों में मीटिंग की जा रही है, तो कुछ तो ये एक स्ट्रेटजी बन रही है ना, ये तो आप मानेंगे। पद्मजा जी, मैंने तो शुरू में ही कहा आपको, भाई प्रत्याशी होगा तो वोट लेने जाएगा क्या, मुसलमान पार्ट नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के, मैं पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी अगर चाह रही है कि साहब वो मुसलमान के, वो तो दूसरी कांग्रेस पार्टी जावे नहीं मुसलमानों के वोट लेने, ये कौन सा नैरेटिव क्रिएट हो रहा है। मुसलमान क्या, जो भी वोटर होगा उसके पास जाएगा प्रत्याशी, और सब वहां जिसका प्रभाव होगा उससे उससे रिक्वेस्ट करेगा मुझे वोट डलवाओ, उसको बदले में क्या देगा, उसको बदले में जितने लोग दूसरे टेरर के मामले में बंद है उनको रिलीज कर देंगे, बदले में क्या मिलेगा, नहीं कौन कर देगा, तो न्याय, अरे भाई बंद कोई कर ही नहीं सकते, न्यायिक प्रक्रिया में गया हुआ आदमी को कैसे नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का वोट मांगने जा रहे हैं, उन्होंने तो अपनी मांगे साफ कर दी है ना, सरकार वो कोई अपने प्यार की वजह से तो दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम देंगे, मांग तो हमारी मांगे पूरी कीजिए, मांग देखिए मांग कोई भी कर सकता है, वोटर अगर प्रत्याशी जाता है तो कोई कहता है मेरे छोटी सी बात कर रहा करी मैंने आपको, हैंडपंप से लेके ऊपर तक की बात होती है, कोई बड़े शहर की बात है तो साहब कोई कहेगा बड़ी रेल लाइन डलवाई, कोई कहेगा हमारे ये करवाई, कोई एयरपोर्ट करवाई, कोई कहेगा छोटे सी जगह का चुनाव होगा, रेल लाइन जेल से आती है ना बाहर, वोटर तो जनता रेल लाइन जेल तक जाएगी, इसमें क्या बात है प्रत्याशियों से, ठीक है इन दो चीजों का जवाब दीजिए आरपी सिंह जी, एक कि कितने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं वो भी आपके लिए वोट मांगते हैं, आपको समर्थन देते हैं, दूसरा मुसलमान भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है, तब तो कोई नहीं कहता कि भाई हिंदू वोट जो है एक तरीके से पता नहीं जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं वोट जिहाद, उसको तो नहीं कहा जाता, वोट जिहाद की बात तो हमने नहीं की, वोट जिहाद तो अब साबित हो रहा है ना मौलानों की, और ये धर्मगुरु आपके लिए वोट मांगते हैं वरुण पुरोहित के, आप बता दिए, मैं तो चैलेंज देकर कह रहा हूं ना, ये कह रहे राम मंदिर के लिए रथ यात्रा थी वो, उसमें तो हर किसी को भागीदारी करनी चाहिए थी, उसमें मुसलमानों ने भी भागीदारी करी थी, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा जी, उनका स्वागत किया था, परंतु अरे रुको भाई पुरोहित साहब, आपको अब अपनी बारी बड़ी चल लगती है, परंतु जो मूल बात है वो बात इसलिए बोला, मैं बोलता नहीं हूँ आपको लगा ना दिक्कत हुई, मैं बीच में बोला तो जा रहा है, आपने बदले के लिए टोक दिया ना जी, अब बात सुन लीजिए बोलिए, वो जो मेरा कष्ट है वो ये की वो कह रहे की दंगे में जो लोग इन्वॉल्व है उनको छोड़ा जाएगा, और वो मान दिक्कत है कि कांग्रेस भी और एनसीपी इस बात को मान रही है कि हम करेंगे ये, वो मानो या तो मेरा सीधा सीधा कहना है, या तो वो कहे अभी अच्छा पुरोहित साहब जो बड़े बड़े समझदार लोग में से हैं, पुरोहित साहब एक केस करवा दीजिए ना, नाना पुटेल बोलो अभी ट्वीट करे बोले ये चिट्ठी मेरी नकली है, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लो, अगले 24 घंटे का चैलेंज देता हूँ, सुनिए पद्माजी जी, अगले 24 घंटे का चैलेंज है, मैं कल आपकी डिबेट में दोहराऊंगा, इसी समय आऊंगा और 24 घंटे के अंदर ट्वीट डलवा दीजिए या केस करा दीजिए, नहीं करेंगे, कोई को वोट चाहिए, इनकी मिली बात है, अब ये पड़ी हुई है, मुटाली की जो मर्जी कर चले, बोला एक सेकंड आरपी सिंह सर, चुनाव आयोग के पास तमाम कंप्लेंट्स पड़ी हुई है 2024 में लगातार, मैं कह रहा हूं मेरे साइन पर नकली करेगा तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा करूंगा नहीं करूंगा, अरे कोई मेरे साइन नकली करेगा मैं मुकदमा करूंगा नहीं करूंगा, 100 पर जो मेरा चैलेंज सरकार का अगले 24 घंटे के अंदर ऊपर मुकदमा दर्ज करे थाने में जाए, नाना पटेल टीडीपी पे मैंने उनसे जवाब मांगा था, टीडीपी थाने में जाए और कहे कि वही चुके नहीं दिया, आप पूछिए टीडीपी पे आज तक कोई जवाब नहीं देंगे, अगर मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे रहे ना जी, जो मैं कह रहा हूँ मेरा चैलेंज
राजीव लग रही है महेश चव्हाण जी ये तो देश का कोई भी आदमी चाहेगा। एक सेकंड करवा आ रही हूँ आपके पास। देश का कोई भी आदमी चाहेगा अगर इस तरीके से कोई चिट्ठी बनाई गई है, झूठ फैलाया गया है, माहौल बनाया गया है अगाड़ी के खिलाफ, और वो भी उसके शीर्षतम नेताओं के नाम पर, तब तो आपको फौरन एक बयान जारी करना चाहिए कि उलेमा बोर्ड की मांग से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते और ये चिट्ठी सरासर झूठ है। अब तो 24 घंटे हो गए, अब वो स्टेटमेंट आ जाना चाहिए और FIR तो फौरन हो जाना चाहिए। जयंत पाटिल के नाम पर ऐसी चिट्ठी लिखे जाना, ये तो बहुत सीरियस बात है। पद्मजा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता इस पर जरूर स्टेटमेंट देंगे और वो जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, अगर मुकदमा करना ही है ना, तो महाराष्ट्र की और देश की जनता उन पर मुकदमा करना चाहती है। बीजेपी उन पर मुकदमा करे जिन पर प्रधानमंत्री जी ने भरी सभा में 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, उन पर मुकदमा चलाइए। जिन पर आपने सुनो अभी बीच में मत बोलिए यार, आपका सबूत है बिना बात के निराधार। पद्मजा जी, उनको सबूत बताइए, उनको सबूत बताइए, प्रधानमंत्री की रैली की सबूत बताइए। पद्मजा जी, ये बात नहीं है, मैं बोलूंगा। आप करप्शन की बात कर रहे हैं सर, पर फिर भी आपको लगता नहीं, सुनिए, आपको लगता नहीं कि जो फॉर्जरी हुई है, क्योंकि अब आप यही कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन में थोड़ा सा इसलिए हूँ क्योंकि किसी ने आकर के, कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस में अतुल लोंढे पाटिल ने बोला वो फेक लेटर है, नकली चिट्ठी है। एनसीपी में किसी ने बोला नहीं है ऑन रिकॉर्ड कि इस चिट्ठी की असलियत है क्या। और मैं फिर से कह रही हूँ कि इस पे सील लगी है सर, इस पे आपकी पार्टी की सील लगी है, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर इस पे हुआ है, तो ये तो बहुत ही गंभीर फॉर्जरी का मामला। पद्मजा जी, अभी तक पुलिस के केस नहीं हुआ। पद्मजा जी, मैंने क्लियर किया मेरा स्टैंड, मैंने क्लियर किया, मैंने आपको बताया कि महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता सामने आकर इस पर स्टेटमेंट देंगे और जो थोड़ा रुकी है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुकदमा चलाना ही है तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के बीच में, ये क्या दादागिरी हुई।